2000 जवान मूवी का प्रोविया रिलीज हो चुका है भाई, एक नया वर्ड। एसआईके सर ऐसे थोड़ी ना मार्केटिंग जीनियस कहे जाते हैं, एक ऐसे शब्द के साथ अपने ट्रेलर को लॉन्च करना कि लोग उसे गूगल करने लगे, यही तो एक असली मार्केटिंग की पहचान है। खैर, सबसे बड़ी मार्केटिंग किसी भी मूवी के लिए उसका प्रोडक्ट ही होता है, तुम सबको पता ही होगा। एंड प्रोडक्ट ऐसा कि एक लौंडा जो आउट ऑफ टाउन है उसको भी जोश आ जाए कि वीडियो करना चाहे जैसे करना है, लोकेशन गई ज्यादा नहीं भाड़ में। खैर, जवान मूवी का 2 मिनट 15 सेकंड का ट्रेलर कम प्रीव्यू ज्यादा या फिर ग्लिम्प्स ज्यादा रिलीज हो चुकी है एंड इसके अंदर हमको लॉट्स ऑफ शॉट्स दिखाई देते हैं। फर्स्ट ऑल तो इसके ऊपर सबसे पहले मैं बात करूंगा एसआईके सर के लुक्स की। 3 डिफरेंट लुक भाई, कड़क माल था वो, क्या लेवल था उन लुक्स का। जिस तरह से वो फर्स्ट ऑल तो क्लीन शेव वाला लुक, फिर उसके बाद क्लीन शेव में एक मास्क वाला लुक, बाल्ड लुक, एंड आफ्टर दैट वो जो हेयर वाला लुक जिसमें वो आर्मी यूनिफॉर्म में या फिर पुलिस वाले का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आते हैं, वो सारे लुक्स इतने जबरदस्त थे, मैं टू बी ऑनेस्ट बोलता हूँ कि भाई मज़ा आएगा लिटरली। खैर, ट्रेलर की शुरुआत होती है एसआईके सर के उस डायलॉग से जिसमें मैं पुण्य हूँ या पाप हूँ, ये आप डिसाइड करोगे, ऐसे कुछ करके कहते हैं। एंड जिस तरह से पठान में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हैवी वॉइस का यूज़ किया था, यहाँ पर एक अलग लेवल की वॉइस का यूज़ किया है और वो जो अपनी वॉइस के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं नए नए रोल्स में, वो मुझे लिटरली मज़ा आता है। इस बार उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा वो डीप वाली फीलिंग तो नहीं दे रही है, लेकिन लिटरली मज़ेदार लग रही है। खैर, ट्रेलर के अंदर हमको लॉट्स ऑफ एक्शन के सीक्वेंसेस के छोटे छोटे ग्लिम्प्स दिखाई देते हैं एंड वो बेहतरीन बीजीएम के साथ जिस तरह से फिट बैठते हैं, एटली अन्ना अनिरुद्ध चाचा का कमाल है लिटरली। मतलब जिस तरह से ट्रेलर के अंदर के सारे एक्शन सीक्वेंसेस को नहीं रिवील करके एक एक दो दो सीक्वेंसेस को आपस में मिक्स करके मर्ज करा है, वो देख के लगता है कि हमने ट्रेलर देखा लेकिन कुछ पता नहीं चला क्या होने वाला है। एटली अन्ना ने अपना मास्क का जो क्राइटेरिया है वो शायद से इस बार सबसे बेटर कर दिया है, इतना तो उन्होंने आज तक नहीं करा होगा। मैंने बोला था ना कि ये एटली अन्ना सर के पूरे करियर की सबसे बड़ी पिक्चर होने वाली है और उन्होंने उसे बनाया है। जिस तरह के एक्शन सीक्वेंसेस, हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, पूरा मिलिट्री बेस बना हुआ है एंड गाड़ियां एक साथ उड़ने वाली हैं 10-12 ऐसे कुछ करके, अब उसके बाद जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाले सीन है या फिर जिसमें लात मार रहे हैं, कैमरा एंगल्स वगैरह भाई लिटरली परफेक्ट लगते हैं। एंड इस ट्रेलर की सबसे एक और खास बात जो मुझे लगी वो इसकी सिनेमाटोग्राफी एंड इसकी जो कलर ग्रेडिंग है, हर जगहों पर अलग अलग शेड्स दिए गए हैं। मे बी जहाँ पर ज़्यादा एक्शन हो रहा है वहाँ पर थोड़ा सा डार्क टोन का यूज़ करा है, कुछ जगहों पर एसआईके सर के लुक्स को और उनकी शायद से लव स्टोरी को दिखाने के लिए वो थोड़ा मतलब रोमांटिक वाली फीलिंग आए, ऐसी लोकेशंस या फिर ऐसे उस कलर ग्रेडिंग का यूज़ मज़ा दिलाता है। थर्ड ट्रेलर के अंदर एसआईके सर के साथ साथ हमको नयनतारा मैडम, दीपिका पादुकोण मैम जो कि एक स्पेशल अपीयरेंस में नजर आने वाली हैं, विजय सेतुपति सर की भी एक ग्लिम्प दिखाई देती है, लुक समझ लो जिसमें हम बोल सकते हैं कि वो एक विलन का रोल प्ले करने वाले हैं। एंड उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से कई सारे वुमेन्स को एक साथ दिखा के या फिर एक वुमेन आर्मी जो हमारे जवान ने यानी एसआईके सर ने बनाई है उसका भी ट्रेलर के अंदर जिक्र होता है। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि ये मूवी कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी जाती हुई दिखाई देगी, जो कि एक अच्छा सोशल मैसेज है कि लड़कियां हमारी किसी से कम नहीं है। खैर, कम तो हमारे जवान भैया भी नहीं है, मेट्रो के अंदर जाके जिस तरह से अपना मास्क अनवील करते हैं एट द एंड ऑफ वो बाल्ड वाला लुक और उसके ऊपर से इसी के मुस्कुरा, भाई 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 माहौल बना दिया लिटरली। खैर, ट्रेलर को मैं ब्रेक डाउन जरूर करूंगा, तुम जान रहे हो ना कि मैं लोकेशन पे नहीं हूं तो इस वजह से मैं अभी इसको बस यहीं निपटा रहा हूं, बाकी बहुत सारा माल हम परोसते रहते हैं अपने ऑडियंस के लिए। तो तुम ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करने किया भाई, एक छोटे आदमी को थोड़ा सपोर्ट करो, मतलब छोटा नहीं हाइट में छोटा मैं बता रहा हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगला माल बहुत ही जल्द आ जाएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, ओके बाय, जय हिंद।